सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक चाय का मसाला बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, ये सौंफ ली है और ये दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये जो हरी इलायची होती है, और इसमें लौंग और काली मिर्च जो होती है ना, ये देखिए ये काली मिर्च, इन सबको मैंने पहले अच्छे से भून लिया है। अच्छे से इन द सेंस कि भी इनका जो डेडनेस है वो मैंने हटा दिया, अच्छे से इनको क्रिस्पी कर दिया है बिल्कुल। ताकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ भी बनाओ, कोई भी मसाला आप घर में बनाओ, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लो तो उससे उसका फ्लेवर और इनहेंस होकर आता है। तो मैंने अब इसमें भी ये सब कुछ उसको मैंने रोस्ट करके ही डाला है, और साथ में ये थोड़ा सा जायफल है जो कि मैंने ग्रेट कर लिया, क्योंकि मिक्सी में वो इतने अच्छे से नहीं पिस पाता, तो इसलिए मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मसाला है ना, इसको आप चाय में भी डाल सकते हैं और दूध में भी डाल सकते हैं। जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, तो आप चाहें तो इसमें वो सौंठ आती है ना, जैसे ड्राई अदरक जिसको बोलते हैं, वो सूंड भी कहते हैं उसको पंजाबी में, तो वो डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसके साथ फ्रेश जिंजर लेके उसको ग्रेट करके वो भी आप चाय में डाल सकते हो। इसको चाय में डाल सकते हैं आप, इसको आप मसाला वाला दूध बना सकते हैं। जैसे बच्चे को कोल्ड कफ है या खुद ही कभी पीने का मन करा मसाले वाला दूध, तो चलो ठीक है, वो डाला और साथ में बादाम वगैरह ग्रेट करके दूध के अंदर डाल दिए, और बहुत अच्छा और अच्छी चीज है, ये हेल्दी चीज है। तो आप अगर एक बार, आई होप कि आप ये ट्राई करें, एक बार ट्राई कीजिएगा, इसकी चाय और दूध दोनों में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हम इसको पीसेंगे। तो एक बारी में ही आप इतना मसाला बना लो तो आपका महीना दो कहीं नहीं गया ये मसाला। अभी मैंने इसके अंदर ये जायफल नहीं डाला क्योंकि ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ, तो उसको मेरे को उसमें अभी डालने की जरूरत नहीं, बाद में इसको मिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है, और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, जायफल डाल के और एक हल्का सा इसको उसके साथ चला दूंगी कि बस ये अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए जायफल भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। मैं आपको इसके अंदर पोर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मसाला कितना अच्छा बना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस मसाले में मैंने क्या क्या डाला है। सौंफ डाली है, छोटी इलायची, मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल। ठीक है, आपको इसकी रेशो उस हिसाब से रखनी है। जैसे कि हमने आधा किलो सौंफ ली है तो उसके अंदर 50 ग्राम छोटी इलायची और 50-60 ग्राम भी मोटी इलायची हो गई, दालचीनी भी उसी हिसाब से उतने ही डाली, और लौंग की थोड़ी रेशियो हमको कम करनी है, थोड़े से मतलब 15-20 दाने हमको लौंग के डाल लेने हैं। ठीक है, लौंग का जो फ्लेवर है वो सब लोग पसंद नहीं करते, और काली मिर्च वैसे ही गले के लिए अच्छी होती है, और वैसे भी उसका फ्लेवर कई लोग नहीं पसंद करते, तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, काली मिर्च डाले, वैसे उसका फ्लेवर बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि हमने उसको उस उतनी रेशो नहीं डाली, थोड़ी सी डाली है। तो बस ये आपका मसाला तैयार है, अब इसको ठंडा होने दे थोड़ी देर, और उसके बाद इसको एयर टाइट जार में स्टोर कर ले, और एक छोटी सी डिब्बी में अपना निकाल के रखें डेली यूज के लिए, जब वो खत्म हो जाए तो उसको फिर से फिल कर ले, और प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय।